लोकतंत्र की सरेआम हत्या हुई है। करे घोटाला शराब का तो आराम कहां से पाए। वो एक एक करके सभी विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना चाहते हैं। शुद्ध भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है। एक घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाए गए कदम है। पूरे छापे में कोई सबूत नहीं मिली। तो आज की बड़ी खबर पर लगातार अमरे हुए हैं। दिल्ली शराब घोटाला केस में ईडी ने कल रात अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया और अब इस वक्त बड़ी जानकारी आ रही है कि आम आदमी पार्टी को इंडिया गठबंधन का समर्थन है। थोड़ी ही देर में अरविंद केजरीवाल के घर जा सकते हैं राहुल गांधी। केजरीवाल के परिवार से मुलाकात कर सकते हैं। राहुल गांधी ने की थी सीएम केजरीवाल के परिवार से बात, कल ये बात की थी, फोन पर बातचीत हुई थी और कांग्रेस की तरफ से सहयोग देने का भरोसा दिया गया था कि लीगल मामलों को लेकर भी जो सहयोग कांग्रेस पार्टी कर पाएगी वो देगी आम आदमी पार्टी को। और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से फोन पर बात राहुल गांधी की हुई थी। अब जानकारी ये आ रही है कि परिवार से मुलाकात करने के लिए थोड़ी ही देर में राहुल गांधी सीएम हाउस जा सकते हैं, अरविंद केजरीवाल के घर जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक कल भी बात की थी और इंडिया गठबंधन पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के साथ है। ये इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से बार बार बताने की कोशिश की भी गई है। तो सीएम केजरीवाल के परिवार से मिलने के लिए राहुल गांधी थोड़ी ही देर में जाएंगे। जो भी अपडेट आएगा आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता दें सीएम केजरीवाल से ईडी ने शुरू की पूछताछ। मेडिकल हुआ है, मेडिकल के बाद अरविंद केजरीवाल से दोबारा पूछताछ शुरू हुई है। कल रात 2 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई थी और 2 घंटे की पूछताछ के बाद आज सुबह जो 8 बजे पूछताछ होनी थी वो अभी पूछताछ शुरू हुई है। तो अब पूछताछ में जो बाकी बचे हुए सवाल हैं ईडी के वो पूछे जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल से। चूंकि दिल्ली शराब घोटाला मामला ये जो है उसकी आंच में आम आदमी पार्टी के कई नेता लपेटे में आए हैं, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अब अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री, जिन्हें कल रात ईडी ने अरेस्ट किया, उनसे दोबारा पूछताछ शुरू हो गई है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आतिशी का बीजेपी पर हमला। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी बीजेपी की साजिश है, केजरीवाल की सोच गिरफ्तार नहीं हो सकती, बीजेपी में जाने से केस बंद हो जाते हैं। आतिशी ने यह भी कहा और कहा कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकने की साजिश है, लोकसभा चुनाव से पहले ये साजिशन किया गया है। इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को केंद्र सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया है। यह भारत के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोकसभा के चुनाव की घोषणा के बाद एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार किया गया है। यह बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। ईडी का उपयोग करके एक विपक्षी दल के राष्ट्रीय नेता को गिरफ्तार करना एक ऐसे केस में जिसमें 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं हुई है, एक ऐसे केस में गिरफ्तार करना जहां पर आज तक ईडी कोर्ट्स के सामने कोई भी सबूत नहीं रख पाई है, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का डर है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर देश में कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। तो देखिए लोकसभा चुनावों से पहले बड़ा झटका देने की कोशिश ये की गई है और ये साजिशन हमारे खिलाफ किया गया है, यही कहने की कोशिश आतिशी। आम आदमी पार्टी पे ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल पे, ये देश के लोकतंत्र पे एक हमला है। चुनाव की घोषणा के बाद आप एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लेते हैं, एक फर्जी केस में गिरफ्तार कर लेते हैं जिसमें 2 साल में 1 चवन्नी की भी रिकवरी नहीं हुई है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये चुनाव को प्रभावित करने की एक साजिश है और ये जिसे एक लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे लोकतंत्र में कहा जाता है उस पर असर डालने की साजिश है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय मिलेगा,
और अगर ये अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखते हैं, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करके रखते हैं, तो पूरी दिल्ली में, पूरे देश में लाखों लोग सड़कों पे उतरेंगे। इस्तीफा नहीं देंगे मुख्यमंत्री? अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया तो ये तो बहुत बढ़िया मॉडल हो जाएगा बीजेपी के सामने कि विपक्ष के सारे मुख्यमंत्रियों को एक एक करके अरेस्ट कर दो, वो अरेस्ट करेंगे, अपना रेजिग्नेशन देंगे, तो आप सरकार गिरा देंगे। सुरक्षा को लेकर भी आपने कंसर्न जताया है, क्यों वो कंसर्न सामने आया है, क्या वजह है, आपको क्यों लगता है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के पास जेड प्लस सिक्योरिटी है एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर होने के नाते। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया गया है। हेमंत सोरेन जी ने भी गिरफ्तारी से पहले अपना इस्तीफा दे दिया था। तो आज अरविंद केजरीवाल जी एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं जो ईडी की कस्टडी में है, एक जेड प्लस सिक्योरिटी प्रोटेक्टी है वो, तो इसलिए अब ईडी की जिम्मेदारी है कि उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखे। क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री आवास में होते हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय में होते हैं, मुख्यमंत्री के तौर पे अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे होते हैं, तो प्रॉपर जेड प्लस सेफ्टी सिक्योरिटी उनके पास कौन आ सकता है, उसकी किस प्रकार से चेकिंग होती है, उनकी जेब में क्या है, ये सब कुछ चेक होता है। लेकिन आज कौन इस सेफ्टी सिक्योरिटी का जिम्मेदार है हमें कुछ भी नहीं पता। देखिए, आखिरी सवाल है, क्योंकि आप लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे हैं और सड़क पर उतरने की बात कह रहे हैं, ये दोनों बातें कैसे हो रही हैं? देखिए, ये सिर्फ एक लीगल लड़ाई नहीं है, आज ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई है। आज अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया है, कल किसी दूसरे पार्टी के नेता को अरेस्ट करेंगे, किसी पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं, किसी पार्टी के नेताओं पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, ये चुनाव की चोरी नहीं है तो और क्या है? आप अगर विपक्ष की सारी पार्टी के सारे नेताओं को जेल में डाल देंगे, सबके बैंक अकाउंट बंद कर देंगे, तो कोई पार्टी चुनाव कैसे लड़ेगी? इंडिया अलायंस के लोग खड़े हैं आपके साथ? बिल्कुल, इंडिया अलायंस के लोग मजबूती से साथ खड़े हैं, वो लगातार हमसे संपर्क में भी हैं, और आज इंडिया अलायंस के कई नेता अरविंद केजरीवाल जी के परिवार से मिलने भी आ रहे हैं। हम लगातार उनसे संपर्क में हैं और हम संपर्क में रहेंगे। जी, तो आतिशी जो बता रहे हैं कि मुख्य जो इंडिया अलायंस के लोग हैं वो उनके साथ हैं, और साथ ही साथ कह रहे हैं कि जेल से ही सरकार जो है वो चलने वाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को आप सुन रहे थे, सीधे तौर पर कहना है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से ही सरकार चलेगी। देखिए, लंबी जद्दोजहद हुई है, 9 बार समन ना कबूलने के बाद आखिरकार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कल रात गिरफ्तार हो गए। केजरीवाल की गिरफ्तारी के वक्त भी हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, लगातार बयान आए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हो हल्ला हंगामा किया, और इसी बीच आम आदमी पार्टी से एक बयान या यूं कहें कि दावा भी सामने आया। दावा यह था कि अब दिल्ली की सरकार जेल से ही चलेगी। किसने किया है ये दावा और क्या वाकई ये मुमकिन? तो देखिए, जेल से सरकार चलेगी ये अभी कहा जा रहा है, लेकिन क्या ये इतना व्यावहारिक होगा और क्या लोकतांत्रिक मूल्यों के हिसाब से ये ठीक होगा, बहुत सारी चीजें हैं अभी। लेकिन इस वक्त में मणिदीप के पास चलती हूं, हमारे सहयोगी सीधे जुड़ गए हैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से। मणिदीप, जरा बताएं, राहुल गांधी वहां आने वाले हैं, कहा जा रहा है कि 10 बजे राहुल गांधी पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल के परिवार से मिलने के लिए, किस तरह की सुबूगाहट? जो देखिए, कहा जा रहा है कि 10 बजे के करीब में राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के परिवार से मुलाकात करने के लिए आ सकते हैं। ऐसे में अब से तकरीबन 1.25 घंटे पहले, 45 मिनट पहले दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय यहां पर आए हैं। करीब 20 मिनट इसी बैरिकेड पर उनको दिल्ली पुलिस के अधिकारी के द्वारा इंतजार कराया गया, जिस पर गोपाल राय ने बिफर करके दिल्ली पुलिस के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि भैया आप आखिर अरविंद केजरीवाल के परिवार को भी नज़रबंद क्यों कर रहे हैं। ऐसे में थोड़ी देर के बाद उनको एंट्री दी गई है। फिलहाल जो आला अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के, वो लोग यहां पर पहुंच गए हैं, सुखबुगाहट कह सकते हैं शुरू हो गई है, गोपाल राय अंदर आ चुके हैं। अभी थोड़ी ही देर पहले जो पंजाब के सीएम भगवंत मान, उनकी सिक्योरिटी की गाड़ी यहां पर आई थी, उन्होंने आकर के दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से बातचीत की है, पता लगाया है कि कौन से रास्ते हैं, किन रास्तों से आया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि जो वीआईपी मूवमेंट है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का घर है यहां पर, उनकी पत्नी है, माता है, पिता है, तो सभी लोगों से मिलने के लिए जो टॉप लीडरशिप है आम आदमी पार्टी की, मुख्यमंत्री हैं, राहुल गांधी हैं, वो लोग यहां पर आ सकते हैं। और देखिए, खबर ये भी आ रही है कि इंडिया गठबंधन के भी कई नेता अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंच सकते हैं। इस बीच आपको बता दें, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सीएम भगवंत मान का मैसेज सामने आया है। सीएम भगवंत मान ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन सोच कैसे कैद करोगे? अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है। भगवंत मान ने आगे लिखा है कि हम अपने नेता के साथ चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। भगवंत मान भी आज दिल्ली आने वाले हैं और
अरविंद केजरीवाल के परिवार से मुलाकात करेंगे और आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा तो क्या होगा आगे की रणनीति वहीं से ही आम आदमी पार्टी तय करेगी और वहीं से ही पता चलेगा कि दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी। मणिदीप, अब भगवंत मान भी वहां पर आने वाले हैं और कल ही ये खबर आई थी, तो भगवंत मान यहां आकर के जो विरोध प्रदर्शन होगा आम आदमी पार्टी का उसका हिस्सा बनने वाले हैं? जी देखिए, जिस तरीके से ट्वीट पर भी भगवंत मान ने कहा है कि हम अपने नेता के साथ में रॉक की तरह, चट्टान की तरह खड़े हुए हैं, तो कह सकते हैं कि जो हरियाणा में भी पार्टी की जो प्रदेश इकाई है, पंजाब में भी जो इकाई है, सभी को कहा गया है कि सभी जो कार्यकर्ता हैं वो ITO पर 10 बजे के करीब में जुटे हैं। ऐसे में जितनी भी लीडरशिप है आम आदमी पार्टी की, सभी ITO पर पहले जुटेगी, वहाँ पर प्रोटेस्ट में हिस्सा लेगी, लेकिन यदि उससे पहले भी कोई नेता, प्रमुख नेता आते हैं, जैसे गोपाल राय अभी परिवार से मिलने पहुँचे हैं, यदि भगवंत मान भी पहले आते हैं तो वो भी परिवार से मिलेंगे, या हो सकता है प्रोटेस्ट के बाद में मिलें। तो लेकिन जितने भी नेता हैं, जितनी टॉप लीडरशिप है, प्रदेश उपाध्यक्ष है, सभी लोगों को बोला गया है, सभी लोग ITO पर पहुंचेंगे, बीजेपी मुख्यालय पर। बड़ा प्रोटेस्ट आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, इंडी गठबंधन के कई जो नेता हैं वो अरविंद केजरीवाल के घर वालों से मिलने के लिए भी आ सकते हैं। ऐसे में यहां पर जो सिक्योरिटी के इंतजाम है, लुटिन दिल्ली की जोन है, VIP मूवमेंट है, सिविल लाइन्स का इलाका है, ऐसे में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम यहां पर दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार किए गए हैं। तो बिल्कुल अलग अलग राज्यों की जो आम आदमी पार्टी की इकाई है उनको दिल्ली पहुंचने के लिए, ITO पहुंचने के लिए सुबह 10 बजे कहा गया। ITO में क्या हाल चल है ये भी आपको दिखाएंगे।